और ये इतना सारा सामान तो हम लेके आए हैं भाई। इस बार मैं दिखाऊंगा जिम कॉर्बेट वाटरफॉल आपको। और हमारी टेबल देखो यार कितनी जबरदस्त है, नेचुरल वुड जो होती है ना उसकी है ये। यार मुझे ये रोड बहुत अच्छा लगता है, मतलब हाईवे फेल हो जाते हैं इसके सामने। इनसे बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं है भाई क्रिप्टो के बारे में। कपिल भाई को मैं एक बात कहना चाहूंगा। सो गाइस आ गया अमन भी। हाय। तो चलते हैं भाई, पूरी टीम मिलने वाली है अपनी। थाईलैंड वाला जो धमाला आपने देखा था भाई, वैसी मौज मस्ती होने वाली है। जल्दी हम लोग फिर कनेक्ट करेंगे, अभी टीम चल पड़ी है, कुछ लोग हमें रस्ते में मिल रहे हैं, बाकी बस शाम को चलेगी। तो कल हम लोगों को ज्वाइन करेंगे और हम लोग ऑलरेडी जा रहे हैं पर ताकि थोड़ा सा अरेंजमेंट देख पाए ना रिजोर्ट के लिए। फुल ऑन भाई धमाल होने वाला है, बढ़िया आपको भाई जंगल दिखाएंगे, जिम कॉर्बेट कर अपना रिजोर्ट दिखाएंगे भाई, बढ़िया रिजोर्ट करा रखा है भाई। गर्मी में लेट मारेंगे स्विमिंग पूल में, मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला, पूरा रिजोर्ट बुक है। जो लास्ट वीडियो में आपने देखा था भाई बराती वाटरफॉल, इस बार मैं दिखाऊंगा जिम कॉर्बेट वाटरफॉल आपको। A few moments later. So guys, भाई पहुंच गया जिम कॉर्बेट में, रह गया नहीं पहुंचे नहीं है भाई, सिर्फ रह गया भाई 15-16 किलोमीटर के आसपास। और ये देखो भाई ये पूरा जंगल है और आगे रोड देखो कितना प्यारा है। यार मुझे ये रोड बहुत अच्छा लगता है, मतलब हाईवे फेल हो जाते हैं इसके सामने, दोनों तरफ भाई हरियाली और जंगल और बीच में रोड। और भाई अभी हमने यहाँ क्यों रोकी है? सो गाइस यहाँ भाई जूस कॉर्नर है, सो थोड़ा सा भाई बेलगिरी का जूस वगैरह पीते हैं भाई, थोड़ी तरोताजा हो जाते हैं। गाड़ी में तो ऐसे ही पता नहीं लगता, बाहर बहुत गर्मी है। सो जूस वगैरह पीते हैं फिर चलते हैं यार। सो गाइस आ गए भाई अपने रिजोर्ट में, भाई फाइनली पहुंच गए यार। अभी रिजोर्ट के अंदर जा रहे हैं हम भाई, रिसेप्शन रेस्टोरेंट बैंक्वेट इस तरफ है, रिसेप्शन ना इस तरफ चलते हैं। सो भाई ये अपने रिसेप्शन पे पहुंच गए हम। सो भाई चलते हैं फिर आपको दिखाएंगे ड्रोन शॉट भी भाई, अपना रिजोर्ट पूरा सब कुछ भाई। 3 दिन तो हम यही रुकने वाले हैं, तो पता नहीं क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे भाई। आसपास आम के बाग भी बहुत कुछ है जो हमने रस्ते में देखे, और बहुत सारे एक्टिविटी भी करेंगे यार। तो अभी भाई चेक इन करते हैं, फॉर्मेलिटीज पूरी करते हैं, चले अमन। हाँ यस कम ऑन। भाई अपनी दूसरी गाड़ी भी आ गई है यार, और आशीष जी भी भाई आपने देखा होगा हमारे पुराने व्लॉग्स में, सारी टीम कल आने वाली है हमारी, है ना, आज हम आए हैं। और ये भाई गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं। आ जाओ चहल साहब, गाड़ी तो उतरो गया नहीं। खत्री साहब, खत्री साहब, खत्री साहब, और क्या हाल चाल? आप लोगों की और कैसा रहा सफर? सही बढ़िया, आपकी दया रहेगी तो भाई। और ये भाई विनय भाई आ गए, देखो भाई। कपिल भाई को मैं एक बात कहना चाहूंगा, रोज इनकी वीडियो देखता हूँ, बहुत बढ़िया कॉन्टेंट बनाते हैं, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई, सच में मैं पूरी फैमिली देखती भाई मेरा। अरे भाई थैंक यू भाई, जब भाई ऐसी हिम्मत मिलती है ना तो वैसे ही भाई और मन करता है वीडियोस बनाने का। बाकी हमारे आशीष भाई भाई बहुत बड़े यूट्यूबर है, इनसे बड़ा यूट्यूबर कोई नहीं है भाई क्रिप्टो के बारे में। नहीं फिर भी आपने एक आधी वीडियो हमारी देखी हो तो कैसी लगी हो आपको? बहुत अच्छी थी, मैंने पूरा बैंकॉक वाला पूरा ट्रिप देखा। तो कैसा लगा, सही थी एडिटिंग वगैरह सब कुछ? थैंक यू भाई, इतने बड़े यूट्यूबर है जिनसे आप मिले हो, सच में आप क्रिप्टो के बारे में जो नहीं पता होगा ना वो सब पता लग जाएगा आपको। चलो भाई चेक इन वगैरह कर रहे हैं, इतने अमन और चले गए भाई, वो चेक इन फॉर्मेलिटीज वगैरह कर रहे हैं। और ये देखो भाई एंट्री है अपनी, ये है भाई अपना रिसेप्शन, और ये ऊपर रूम्स वगैरह यार। तो कैसे हो भाई? बढ़िया। और ये इतना सारा सामान तो हम लेके आए हैं भाई, अपनी गाड़ी से निकाल रहे हैं। अरे विनय भाई उसमें क्या था, इतना बड़ा सामान उनको पकड़ा दिया आपने? उसमें हमने स्टैंड ही दिए जिसमें हमारा किकटो का पूरा सब कुछ चलेगा, अपने प्रोजेक्ट का जो भी है वो सब चलेगा, कंटेंट वगैरह सब कुछ है उसमें, हम उसमें स्टैंड ही उसको दिए। ओके सो गाइस कितनी तैयारी के साथ आना पड़ता है ना वो सब आपको दिखाएंगे यार, बहुत तगड़ी मीटिंग होने वाली है, आप भी सीखना उससे कुछ। भाई फाइनली हम पहुंच गए रूम में भाई, एक तो हमारा ये रूम है, ये देखो आप यार कितने यार सुंदर सोफे है, देखो भाई अभी लगेज वगैरह आया। और सच बताऊं आपको क्या हुआ था यार, एक्चुअली ना जैसे ही हमारे भाई स्विमिंग पूल में कूद गए थे और उसका ड्रोन शॉट आपने देखा ही, तो अभी मैं आपको रूम दिखाता हूं अपना दूसरा। ये तो हमारा हो गया भाई एक रूम, जिसमें भाई हमारे चहल साहब देखो भाई तौलिया लेके लेटे हुए हैं। हेलो गाइस, ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं लाइनिंग में क्या, मतलब पूरी शर्ट पहन रखी है जैसे। और आपको भाई दूसरा रूम भी दिखाता हूँ जिसमें हम आए हैं यार। और इस रूम के भाई हम की लगाते हैं सबसे पहले, ये की टच हो गई है हमारी, और ये चले हम। और भाई अंधेरा है पूरा रूम में, और जैसे ही हम यहाँ पे की डालते हैं भाई पूरी लाइट ऑन हो गया, और ये है हमारा रूम भाई। रूम यार सच बताना रूम कितना मस्त है यार, ये देखो भाई इधर डबल बेड, और इधर देखो भाई बैठने का, ये देखो सात आठ लोग यार आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। और भाई पर्दा भी हटाते हैं हम, और ये भाई कोई मतलब इमेजिनरी मेरे को भी समझ में नहीं आ रही, अगर आपको समझ में आए तो बताना यार। ये देखो भाई ये पूरा कर्टेन है, इसको हटाते हैं, बाहर से व्यू दिखाता हूँ आपको मैं, पूरा आपको मैं ही दिख रहा हूँ ये पूरा जंगल का व्यू है। जो भी है भाई आपने भाई ड्रोन से देख लिया हुआ शॉट, और ये मेरा पूरा रूम है यार, रूम देखो कितना जबरदस्त है ना, सच में जबरदस्त। सो गाइस ये देखो यार, ये हमारी इलेक्ट्रिक केटल है भाई रूम के अंदर, ये हमारा मार्शल का स्पीकर है जो हम लेके आए भाई, ये होटल वालों की तरफ से नहीं है, ये हमारा अपना है। और ये भाई हमारा बेड देखो यार कितना सुंदर है ना, कमाया होटल एंड रिजोर्ट कमाए।
आई डोंट नो भाई कैसे बोलते हैं इसको। और हमारी टेबल देखो यार कितनी जबरदस्त है, बीच में ये देखो, देख रहे हो पूरी वुडन की है यार, नेचुरल वुड जो होती है ना उसकी है ये देख रहे हो आप यार। सो करते हैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, और आने वाले व्लॉग और भी इंटरेस्टिंग होने वाले। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।